हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ राजमा मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये पंजाबीज़ की फेवरेट डिश होती है, वो लोग इसे बड़े ही चाव से बनाते हैं। अगर आप भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में राजमा मसाला खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें राजमा को बॉईल करना है, तो यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम राजमा लिया है। मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रखा था, तो हम ये डालेंगे कुकर में। और इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। बस, और यहाँ पे मैंने खरे गरम मसाले में ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है, छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची, इन सबको मैंने क्रश कर लिया हल्का हल्का, वो भी डाल देंगे। और ये 1 स्पून नमक। अब हम इसे एक बार मिला लेते हैं अच्छी तरह से। बस, अब मैं कुकर को बंद कर रही हूँ और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक कुक करना है। अगर आपने 3 से 4 घंटे के लिए राजमा को भिगो के रखा है तो आप 5 से 6 सीटी लगाएं, अदरवाइज अगर आपने ओवरनाइट भिगो के रखा है तो 3 से 4 सीटी, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। कुकर से सारा प्रेशर निकल चुका है और कुकर भी पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो चलिए कवर खोल के हम देख लें। ये देखिए, राजमा अच्छी तरह से गल चुका है, यानी कि 90% ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मैं फिर से वही प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे बाद में फिर से एक प्रेशर कुक करना है, जिससे इसका जो टेस्ट है और भी खुल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून ये जीरा डाल दूंगी। और इसके बाद ये 2 तेज़पत्ता ये भी डाल देंगे। इसके अलावा और कोई खरे गरम मसाले नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब राजमा को बॉईल किया था तब मैंने डाला था। तो हम इसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही भून लेंगे। बस, अब यहाँ पे मैंने ये 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था, फिर से मैंने पेस्ट बना लिया है, वो डाल देंगे। इसे भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं ये 2 मीडियम साइज के टमाटर, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। चलिए, हम यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने पेस्ट बना लिया था, मिला देते हैं इसे और इसे हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भूनना बहुत ज़रूरी है, उसी की वजह से ही राजमा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए, हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून लिया है, क्योंकि मुझे राजमे के मसाले में ज़्यादा येलोइश कलर नहीं चाहिए। आप चाहें तो हल्दी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं ये जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ये किचन किंग मसाला है, इससे टेस्ट इसका बहुत ही बढ़ जाता है, 1 टेबलस्पून ये भी डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा टेबलस्पून, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे नमक 1 टेबलस्पून। नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालें, क्योंकि जब मैंने राजमा बॉयल किया था तब भी मैंने 1 स्पून नमक डाला था, तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाले नीचे से जले नहीं, बस काफ़ी इतना। और हम इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे राजमा डाल देंगे जो मैंने बॉयल कर लिया था। और एक बार हम राजमा को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। राजमा बॉयल करने टाइम पे मैंने जो पानी यूज किया था वही पानी डाल रही हूँ मैं, आप भी वही पानी यूज करें। चलिए, पानी मैं यहाँ पे 1 गिलास डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी पानी आप डाल सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला मिला देंगे हम इसे अच्छी तरह से। बस,
इसे एक सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए एक सीटी आ चुकी है, तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। अब हम कुकर के ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसका कवर खोलेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और इससे सारा प्रेशर भी निकल चुका है, तो चलिए कवर खोल के देख लें। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले ये फ्रेश धनिया ये डाल दूंगी, और एक बार आपको ये दिखा देती हूँ कि राजमा हमारा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं किसी बॉल में निकाल के। ये देखिए रेडी है राजमा मसाला। वैसे तो ये राइस के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप राइस नहीं खाते हैं तो आप इसे पूरी, नान या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।